हेलो, माई सेल्फ संदीप फ्रॉम NIT जयपुर। आज हम केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कि अपन कोई कंपाउंड देख के बता सके ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो एक ही पढ़ एक एक करके शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एक साइंटिस्ट अपने आपका इन्होंने कुछ रूल बताए थे कि कोई कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड की होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब एरोमेटिसिटी अपन उसी में देखेंगे जो कंपाउंड साइक्लिक होगा। जैसे ये कंपाउंड हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है? कंपाउंड कॉन्जुगेटिव होना चाहिए। कॉन्जुगेटिव मतलब कंपाउंड में पाई सिग्मा पाई हो, कंपाउंड में पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज एक ही बात होती दोनों, या कंपाउंड में पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। और ये तो कॉन्जुगेटेड है ना, जैसे कि वो कंप्लीटली होना चाहिए। जैसे देखते हैं एक बार, जैसे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कंप्लीटली हो गया। ऐसे देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। वैसे अपन किसी कंपाउंड को देख के ये नहीं बता सकते ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, या तो अपने बुक्स में रीड कर रखा हो या फिर अपन को गिविंग हो कि ये सारे कंपाउंड प्लेनर है, इनमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक चार्ट हो, फिर भी अपन एक अपनी तसल्ली के लिए देख लेते हैं कि कंपाउंड में जो एटम यूज हो रहे हैं वो sp2 होनी चाहिए। जैसे एक बार देखते हैं, इसमें ये जो एटम है ना कार्बन वाले, ये sp2 होने चाहिए। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि sp2 है, sp है, sp3 है, उसके लिए एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर जेड की वैल्यू 2 आई तो उसमें बोल देंगे अपन sp है, अगर जेड की वैल्यू 3 आई तो उसमें बोल देंगे अपन sp2 है, अगर जेड की वैल्यू 4 आई तो उसमें बोल देंगे sp3 है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है इसकी? उस कंपाउंड में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n की वैल्यू क्या होगी? 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 डैश 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 मतलब आगे 6 7 8 9 10, ये होगी एरोमेटिक की। अपन देखते हैं एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक, सेकंड कंडीशन कॉन्जुगेटेड,
एंड कंडीशन प्लेनर एंड एंटी एरोमेटिक भाई एरोमेटिक की फर्स्ट फर्स्ट जो तीन कंडीशन होती है साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर ये सेम होती है। फोर्थ कंडीशन इसमें जो होती है वो एरोमेटिक से अलग होती है। इसमें होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो हो नहीं सकती क्योंकि किसी में कोई कंपाउंड साइक्लिक है जैसे कि ये मान लो इसमें ये एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक वो बाद में देखते हैं पर सबसे पहले तो ये थोड़ी है कि n की वैल्यू जीरो होती है तो इसमें 1 2 3 4 से स्टार्ट होके जितने मतलब 5 6 7 8 9 10 तक ठीक। फिर अपन देखते हैं नॉन एरोमेटिक अब वैसे इसकी कोई कंडीशन नहीं होती है कि अपन ये कंडीशन फॉलो करके बता सकें कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अपन देखेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक ना हो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ना हो तो उस कंपाउंड को अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कंपाउंड क्या होगा नॉन एरोमेटिक जैसे कि CH4। अब इस कंपाउंड को देख के बोल सकते हैं अपन कि ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है क्यों क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। फर्स्ट कंडीशन भी वो होगी ना कि कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं हो सकता कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब जैसे एक चीज और बताता हूँ जैसे लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको अपन डायरेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं ठीक। अपन देखते हैं एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक व नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होती है स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड पे होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड पे होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ठीक। ये हो गया आप देखते हैं एग्जांपल एग्जांपल देखेंगे उनमें बताएंगे कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है कोई कौन एंटी एरोमेटिक है। एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं बना तो कंपाउंड को पहले साइक्लिक अपन को दिख रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए चेक करते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर भी बोल सकते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा पाई सिग्मा कंप्लीटली कंजुगेटेड हो रहा है कहीं कंजुगेट टूट नहीं रहा तो ठीक है कंजुगेटेड भी हो गया। थर्ड एक क्या था प्लेनर चेक करते हैं। प्लेनर चेक करने के लिए क्या बोला था मैंने कि वैसे देख के नहीं बता सकते अगर हमने एग्जाम्पल में गिविन हो या कहीं उसमें एडिट कर रखा हो किसी कंपाउंड के बारे में तो अपन देख के बोल सकते हैं वो कंपाउंड प्लेनर है नहीं तो अपन चेक कर लेते हैं सिग्मा और जैसे कि पाई बॉन्ड होता है इसमें एक पाई होता है एक सिग्मा होता है तो एक सिग्मा तो फॉर्मूला क्या बताया था जेड बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितना है एक दो तीन और इस कार्बन के पास लोन पेयर कितना है जीरो तो जेड की वैल्यू क्या आ गई तीन। तीन के लिए क्या बता था sp2 तो प्लेनर भी हो गया। अब चेक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो पाई बॉन्ड पे एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसमें आओ इस कार्बन में पाई बॉन्ड ये है तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये और नेगेटिव चार्ज पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक तो दो तीन चार पाँच छः छह पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू क्या रखी 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा भी हो सकता है ना जैसे मैंने 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा क्योंकि मुझे पता था ये एरोमेटिक है तो एक बार अपन एंटी एरोमेटिक के लिए चेक कर लेते हैं n की वैल्यू क्या रखो 1 नहीं रख सकते 0 नहीं रख सकते तो 4 2 रख के देखो 8 3 रख के देखो 12 छह पाई इलेक्ट्रॉन किसमें मिल रहा है इसमें ये कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। इसमें चेक करते हैं तो देखो वैसे साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन बार बार मतलब
याद ना रहे भाई कौन सा किट था, तो थोड़ा सा याद रख लो मेथड। वैसे ये होता नहीं है कि सी सी पी पी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन, चेक करते हैं इसमें कंपाउंड लिख देते हैं सी सी पी पी कंपाउंड साइक्लिक, देख के बता सकते हैं कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक हो गया। कॉन्जुगेटेड चेक करो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो रहा है, हो गया। प्लेनर के लिए चेक कर लेते हैं सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई तीन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ लोन पे कितना है जीरो, जेड की वैल्यू क्या आ गई तीन, तो तीन के लिए क्या बताना sp2 मतलब प्लेनर भी हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, यहां कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहां चेक करते हैं इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया दो, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या रखी जीरो, ये क्या हो गया टू पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो गया अपने पास, ये चेक करते हैं सी सी पी पी कंपाउंड, देखने से साइक्लिक लग रहा है साइक्लिक हो गया। और जो क्रेडिट चेक करते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर चेक कर लेते हैं सिग्मा 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 बॉन्ड कितने तीन, लोन पेयर इस कार्बन के पास है कितने जीरो, तो क्या आ गया पी जेड की वैल्यू क्या आ गई इन तीन के लिए क्या कर रहा है sp2, प्लेनर भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं कितने हो गए दो, दो इसके पास होते हैं चार, इसके पास होते ही नहीं, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या रखी 1, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंपाउंड क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, ये कंपाउंड चेक करते हैं cc pp कंपाउंड, देखने से साइक्लिक लग रहे हैं, टेस्ट कंडीशन फॉलो होगी। कॉन्जुगेटेड चेक करते हैं पाई सिग्मा सिग्मा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो डायरेक्ट बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल को ऐसे कंपाउंड देखने से साइक्लिक लग रहा है ठीक है, पर इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ नहीं आ रहा, कॉन्जुगेटेड कैसे देखेंगे, ये तो कॉन्जुगेटेड पाई सिग्मा बाहर गया, तो इसके पहले अपन इसमें रेजोनेंस करवा लेते हैं। अब एक डाउट हो सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्यों गया, याद रखना मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जो होता है ना वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल रखता है, तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज इसने खींच लिया। अब चेक करते हैं पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई साइक्लिक दिख रहा था, कॉन्जुगेटेड देख लिया, प्लेनर चेक कर लेते हैं सिग्मा 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 जेड की वैल्यू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है तीन, लोन पेयर कार्बन के पास कितना है जीरो, जेड की वैल्यू क्या आ गई तीन, तीन के लिए क्या होता है एसपी टू, मतलब थर्ड कंडीशन भी बोलो इसी सीपी पे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसमें देखता है एक दो, तो 4n प्लस 2 n की वैल्यू क्या रखी जीरो, कितने हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सारी कंडीशन किसकी फॉलो कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, ये चेक कर लेते हैं सी सी पी पी, देखने से अपन को साइक्लिक लग रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम चेक कर लेते हैं पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो रहा है, ठीक है भाई प्लेनर चेक कर लेते हैं सिग्मा 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 जेड की वैल्यू क्या है तीन,
लोन पेयर इसके पास है नहीं कार्बन के पास, तीन के लिए क्या होता है sp2 प्लेनर भी हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2 तो 4 तो 6, और मैंने क्या बोला था लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और ये गलती मत करना क्योंकि अपने कंजुगेटेड सिस्टम में जब अपन रेजोनेंस करवा रहे थे तो इस लोन पेयर को अपने यूज किया ही नहीं, और जिनका अपन यूज नहीं करते उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या है 1, तो 4+2 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सारी कंडीशन किसकी फॉलो करता है, एरोमेटिक कंपाउंड की। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक अपन CCPP साइक्लिक अपन को दिख रहा है, ठीक है भाई। कंजुगेटेड सिस्टम चेक करते हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कंप्लीटली कंजुगेटेड हो रहा है। प्लेनर चेक कर लिया अपने बार-बार, यहां सिग्मा 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 जेड की वैल्यू क्या है 3 प्लस लोन पेयर किसके पास कितना है 0, 3 आ गई, और 3 के लिए क्या होता है sp2 प्लेनर भी होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या रखो 2, तो कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सारी कंडीशन किसकी फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक की। इस क्वेश्चन का है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जो ये जब ये बॉन्ड टूटता है तो मैंने इसमें बताया था कि भाई जो मोर इलेक्ट्रॉन एटम नंबर होता है वो नेगेटिव चार्ज ले लेता है, जब इसमें जो टूटेगा तो कौन नेगेटिव चार्ज लेगा क्योंकि यहां तो दोनों कार्बन है, तो कौन पॉजिटिव चार्ज लेगा, तो अपना ऐसे कंपाउंड को नेगेटिव चार्ज देंगे, जैसे इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज दिया मतलब ये एरोमेटिक बन जाए, अगर इसको नेगेटिव दिया तो ये एरोमेटिक बन जाए, ऐसे इसमें अपन नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देंगे। तो एक बार देख लेते हैं, एवं इसे नेगेटिव चार्ज देके देखते हैं, CCPP देखने से पता लग रहा है साइक्लिक है, कंजुगेट देख लेते हैं, पाई सिग्मा वैलेंस ऑर्बिटल सिग्मा पाई कंजुगेटेड कंप्लीटली होगा। प्लेनर चेक कर लेते हैं, सिग्मा 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 3 सिग्मा, इस कार्बन के पास लोन पेयर कोई है नहीं, 3 के लिए क्या था जेड बराबर 3 के लिए क्या था sp2 प्लेनर भी हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, कितने हो गए 2, तो मतलब ये कंपाउंड क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने वाला, मतलब ये कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। ये देख लेते हैं साइक्लिक अपन को दिख रहा है, कंजुगेट सिस्टम चेक कर लेते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा वैलेंस ऑर्बिटल सिग्मा पाई सिग्मा कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है, ये भी क्लियर है। चेक कर लेते हैं सिग्मा 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 कितने हो गए z = 3, लोन पेयर चेक लोन पेयर इसके पास है नहीं तो z = 3 कितनी वैल्यू हो गई 3, 3 के लिए क्या होता है sp2 ठीक है। प्लेनर भी हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, 2 2 4 और 2 इसके पास 6, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या आ गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। अलग अलग चेक किया तो इस कंपाउंड को टोटल मिला के अपन बोल सकते हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक है ठीक है। एक कंडीशन थी कि मैंने अपनी मर्जी से इसे नेगेटिव दे दिया इसे पॉजिटिव दे, अगर इसे नेगेटिव देता हूं इसे पॉजिटिव देता हूं तो देखो ना बाकी तीन कंडीशन फॉलो हो गई थी, साइक्लिक भी है कंजुगेटेड भी है प्लेनर भी है। पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 2 और 2 4 तो क्या हो गया 4 है पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने वाला, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसे चेक करते हैं, 2 2 4 और यहाँ तक क्या क्या दे रहा था पॉजिटिव, ये भी 4n πe को फॉलो करने वाला हो गया, ये भी क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को जैसे कोई रिएक्शन ये कंपाउंड बनाएगी तो वो ऐसे टूटना नहीं चाहिए कि उसके दोनों प्रोडक्ट अनस्टेबल हो ठीक है। तो अपन चेक करेंगे जब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऐसे को नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दें अपन कि ताकि वो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन इसके लिए और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।